वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और आप सभी का एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन से लिम्बिक सिस्टम के जो पार्ट है वो किस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ से आपको NTA में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, UGC नेट पेपर 2 साइकोलॉजी में। इसके अलावा अगर आप कोई और साइकोलॉजी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे DSSSB का या फिर CUET PG के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ सब जगह ये सारे इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने सिलेबस कितना कवर अप किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी अपने माइंड में हो जाए। देखिए गाइज, हम लोगों ने जो आपकी इस प्ले लिस्ट है, अगर आप इसकी प्ले लिस्ट देखेंगे तो उस प्ले लिस्ट में हम लोग कवर अप कर चुके हैं। देखिए, सेंसरी सिस्टम हम लोग ये पूरा वाला कवर कर चुके हैं, ठीक है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये वाला हम लोग कवर अप कर चुके हैं। इसके अलावा CNS और PNS वाला जो पूरा टॉपिक है हमारा, ये डन हो चुका है। मैंने यहाँ पे आपको CNS, एक्शन पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की बायोलॉजी को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, आज जैसे कि हम लिम्बिक सिस्टम कवर अप करेंगे, लिम्बिक सिस्टम कवर करने के बाद में हम एक टॉपिक जो है ये वाला टॉपिक, कौन सा वाला, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेक्निक वाला, ये टॉपिक जो है मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, और जैसे वो वाला वीडियो लेक्चर कवर हो जाएगा तो उसके बाद में आपका जो बायोलॉजिकल बेसिस है, थर्स्ट का, हंगर का, सेक्स का और स्लीप का, इन चारों के जो बायोलॉजिकल बेसिस है, ये एक वीडियो में आपको सब एक ही जगह मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या होगी, आपकी ये पूरी की पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। और आप अगर यहाँ से बहुत अच्छे से सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, देन डेफिनेटली ये सब चीज़ें आप लोगों को हेल्प करने वाली। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से करने, एक बार और मैं बता देती हूँ, वो भी समझ लीजिए। देखिए, अच्छा, इसमें एक बात आप लोगों को याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज आपके, ठीक है, एक तो आपको न्यूरॉन तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, इसके अलावा CNS और PNS मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, CNS में आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के का स्ट्रक्चर, ब्रेन के वेरियस पार्ट्स और उन पार्ट्स के क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है इस वाले चैप्टर में, ठीक है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेगा, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेक्निक से एक क्वेश्चन 100% आप लोगों का आता ही आता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक को भी हम लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आपका एक ग्लैंडर सिस्टम से, न्यूरोट्रांसमीटर से एक क्वेश्चन आता है, तो ये करना है। और एक क्वेश्चन आपका या तो स्लीप साइकिल से आ जाएगा या सेक्सुअल साइकिल जो है आपका वहाँ से, तो एक स्लीप वाला और एक सेक्स। सेक्स में आपका जो मास्टर एंड जॉनसन का जो आपका की थ्योरी है, सेक्सुअल साइकिल जो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, वो वाली थ्योरी हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्रोमोसोमल जो एनामलीज होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ट्राइसोमी 21, ये सब क्या है, ये कि यही चीज़ें आपकी यूनिट 9 जो कि है पीपल डेवलपमेंट, ठीक है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली यूनिट जो है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो है एक सेम टॉपिक है जो यहाँ पे भी कवर होता है, वहाँ पे भी कवर होता है। तो अगर आपने वहाँ पे पढ़ रखा है तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पढ़ रखा है तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये वाला टॉपिक जो है ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और इसमें से जो टॉपिक बचे होंगे वो मैं यहीं पर आप लोगों को करवा दूँगी। चलिए, आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, जो कि है आप लोगों का लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम पढ़ाने से पहले एक बार उन न्यूरॉन को देख लेते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। गाइज देखें, ये आपका है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विद फंक्शंस, अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, बार बार इसलिए सिखा रही हूँ ताकि चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। ये क्या बताया था गाइज मैंने आप लोगों को, एक बार याद कीजिए, देखिए मैंने आप लोगों को ये क्या बताया था, येलो पार्ट ये था आप लोगों का, क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है। न्यूरॉन में ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका कहलाता है सोमा। क्या कहलाता है? सोमा। सोमा मतलब कि आपकी सेल बॉडी, ठीक है, सोमा कहलाता है, सेल बॉडी कहलाता है। इसके बाद में ये वाला पार्ट जो है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा ये वाली जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है, जहाँ से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। कहाँ से?
एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है या पहुंचाता है, और जो अगला न्यूरॉन है उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है वो डेंड्राइट के माध्यम से लेता है। ठीक है, डेंड्राइट हो गया, ये सेल बॉडी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ये क्या करती है, ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल फंक्शनल। ठीक है, इसी के अंदर आपके सेल फंक्शनल होते हैं, ऑर्गेनिल्स होते हैं, सारी चीज़ इसी में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीज़ें। ठीक है, और ये वाली जो पार्ट है आपकी यहाँ पे, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है गाइज, आपको ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम एक्सेन हिलेक बोलते हैं, और यहाँ से आपकी न्यूरल इम्पल्स जनरेट होती है जो कि फिर आगे आपके सिग्नल को आगे की साइड में एक्शन पोटेंशियल के थ्रू आगे की साइड में बढ़ाती है। तो ये न्यूरल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से शुरू होते हैं और फिर इस तरह से एक्सोन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप लोगों का, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक्सोन कहलाता है। एक्सोनल से क्या होता है, ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको रिसीव हुए थे डेंड्राइट के थ्रू उनको आगे बढ़ाने का काम जो है वो एक्सोन करता है। और लास्ट में जाकर के अगर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या कहते हैं गाइज, एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ से क्या होता है, फिर यहीं पे आपकी वेसिकल्स होती है जिसके अंदर केमिकल होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं और जो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करती है वो सारी चीज़ें यहीं पे होते हैं, इसको एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो ब्लू कलर में आपको पार्ट दिख रहा है गाइस, ठीक है, ये ब्लू कलर में जो आप लोगों को पार्ट दिख रहा है वो है आप लोगों का क्या होता है, ये माइलिन शीथ होती है। मैंने आप लोगों को माइलिन शीथ के लिए बताया था कि आपकी सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपका पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में माइलिन शीथ जो है वो आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है, और पीएनएस में माइलिन शीथ का निर्माण जो है वो श्वान सेल्स करती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, यह है आपका लिम्बिक सिस्टम। अगर हम लिम्बिक सिस्टम की बात करेंगे तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो आपके इमोशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। बहुत सारे दूसरे काम में भी ये हेल्प करता है, जैसे स्लिप वेक साइकिल हो गया आपका, बाकी अदर वॉलेंटरी एक्शन होते हैं आपकी बॉडी के थ्रू उनमें भी हेल्प करता है, बट मेनली पर्पसफुली ये जो है ये किस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके इमोशन में और आपकी मेमोरी में। ठीक है, इसमें लिम्बिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है गाइज। अब जब आपको पता चल गया कि इमोशंस का और इनका लिम्बिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए फिर हमको लिम्बिक सिस्टम पता भी होना चाहिए कि होता क्या है। चलिए डेफिनेशन से चलेंगे और आपको समझाते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो द लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ये ब्रेन का एक पार्ट है जो क्या करता है, इन आर बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस इन्वॉल्व इन आर इमोशनल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेस। जो हम इमोशनल और बिहेवियर, हमारे जो इमोशनल बिहेवियर होते हैं वो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्स। स्पेशली वेन इट कम्स टू बिहेवियर वी नीड फॉर सर्वाइवल फीडिंग रिप्रोडक्शन एंड केयरिंग फॉर आर यंग एंड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो है वो आप लोगों का लिम्बिक सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फीडिंग में है ना, मतलब कि जब आपको भूख लग रही है, खाना वाना आप खा रहे हो, वो वाला सिस्टम। रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, जबकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है बॉडी का। ठीक है, जब आप किसी खतरे की सिचुएशन में अपने आप को महसूस करते हो, जब आप बहुत डरावनी सिचुएशन में होते हो, जब आप डेंजर की सिचुएशन में होते हो, उस समय जो आपका मोड, आपकी बॉडी जिस मोड पर काम करती है, वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और उसमें फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही है। तो ये हिंदी में भी मैंने यह दिया है, लिम्बिक प्रणाली हमारे व्यवहारिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में शामिल मस्तिष्क का हिस्सा है, खासकर जब उन व्यवहारों की बात आती है जिनकी हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, उन बिहेवियर में जिनको, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे आपका भोजन हो गया, प्रजनन हो गया, है ना, हमारे बच्चों की देखभाल, लड़ाई, है ना, बात समझ आई, उड़ान या प्रतिक्रियाएं, इन सब चीज़ों में लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। ठीक है,
चलते थोड़ा सा अगर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि लिम्बिक सिस्टम होता क्या है, तो आप देखिएगा यहाँ पे देखो आपको पूरा लिम्बिक सिस्टम दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना गाइस, ये लिम्बिक सिस्टम पूरा का पूरा है, इसमें इसके पार्ट्स भी दे रखे। अगर हम यहाँ वाले डायग्राम पे देखेंगे गाइस, तो आप देखिए, ठीक है, देखिए गाइस, ये अगर आप ये देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर में आपका पूरा हिस्सा है, ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके काम क्या होते हैं, थोड़ा सा उन पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो भाग है आपका, कौन सा वाला गाइस, ये वाला भाग है ना, ये बड़ा वाला भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आपका कहलाता है सिंगुलेट जाइरस। क्या कहलाता है? सिंगुलेट जायरस। सिंगुलेट जायरस जो है वो आपके लिम्बिक सिस्टम का सबसे बड़ा भाग है, ये बात है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पी वाई क्यूज में। तो आपको याद रखना है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सिंगुलर ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज सिंगुलेट जायरस, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब आप थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा, तो जब ये सिंगुलर जायरस, ये लार्जेस्ट पार्ट है आपका, उसके जस्ट नीचे ये यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे होता है आपका थैलेमस, ठीक है। क्या होता है थैलेमस? थैलेमस क्या काम करता है? रिले सेंटर की तरह काम करता है, यानी कि जो बॉडी पार्ट से अलग अलग जगह से सेंसेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनको जहाँ पे वो आगे प्रोसेस करती है ब्रेन के उन हिस्सों तक पहुँचाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल आई से अगर कोई सेंसेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आई ब्रेन में, तो ब्रेन पहले कहाँ जाएगी? थैलेमस तक जाएगी, और थैलेमस फिर ये डिसाइड करेगा कि ये चूंकि आई से आ रही इन्फॉर्मेशन है या सेंसेशन है, तो फिर वो उसको कहाँ भेज देगा? आपके ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में भेज देगा आगे प्रोसीजर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट का काम करता है, रिले सेंटर का काम करता है थैलेमस, ठीक है। यानी कि यहाँ से काम लेना और जो काम कर रहा है वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। जैसे अगर आई से देखने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ऑक्सीपिटल लोब में पहुँचा देगा, हियरिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसको टेम्परल लोब में पहुँचा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है थैलेमस, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। और जैसे ही आप थैलेमस के नीचे जाएंगे, ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है आपका हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस किस में रोल प्ले करता है? बहुत सारी चीज़ों में रोल प्ले करता है ना, आपके थर्स्ट में, सेक्स में, और इसके अलावा आप लोगों का जो टच टेम्परेचर है, टेम्परेचर के में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। हॉर्मोन को और अदर ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी बहुत बार स्टिमुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, जब जब वो कोई पर्टिकुलर हॉर्मोन को रिलीज करने का काम करती है, ठीक है। तो इन सब में हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक रोल प्ले करता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस समझ आ गया गाइस। अब हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आप यहाँ जाएंगे तो ये है आपका अमिगडाला। क्या है? अमिगडाला। अब अमिगडाला क्या करता है गाइस? अच्छा, हाइपोथैलेमस का और बहुत सारे काम है, हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है ना, आप ये वाला ब्रेन ऐसे है, ये ऐसे है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दी स्ट्रक्चर, बोथ आर दी सेम, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर। तो ये अमिगडाला, अमिगडाला आप लोगों को अगर पता है तो अमिगडाला मेनली जो आपका फियर वाला इमोशन होता है, कौन सा वाला इमोशन होता है? फियर वाला इमोशन, या फियर से रिलेटेड, उस इमोशन से रिलेटेड कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आपका अमिगडाला होता है। कौन होता है? अमिगडाला मेनली फियर वाली इमोशंस और फियर वाली मेमोरीज के साथ में क्या करता है गाइस? डील करता है। और उसके बाद में जस्ट अगर आप बात करोगे इसके इसके जस्ट पास में ये इतना सा जो सी शोर लाइक आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो हिप्पोकैम्पस होते हैं। हिप्पोकैम्पस का मतलब भी सी शोर होता है, यानी कि ये सी शोर्स की तरह दिखता है। और हिप्पोकैम्पस का मेन रोल होता है, वो होता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने का काम ये करता है, न्यू लर्निंग मेमोरी को बनाने का काम हिप्पोकैम्पस करता है। इसके अलावा बहुत सारे वॉलेंट्री मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम भी हिप्पोकैम्पस करता है। इसलिए हिप्पोकैम्पस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिन लोगों का हिप्पोकैम्पस किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को
याद नहीं रख पाते, उनको अल्जाइमर हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं हम आगे की साइड में बात करेंगे थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम डायग्राम है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, ठीक है। और फिर अगर थोड़ा सा देखो, ये आपका यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया है ना, ये वाला सेरेबुलम है, ये आपका पोन्स होता है, यहाँ पे आपका मेड्यूला होता है, ठीक है, ये सब पूरा स्ट्रक्चर, ये आपका हिप्पोकैम्पस, ये आपका कौन सा है अमिग्डाला, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया, ये थैलेमस हो गया, ये सिंगुलेट जायरस हो गया, ये सब आपके लिम्बिक सिस्टम के भाग हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को याद रखना। चलते हैं वन बाय वन करके हर एक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम हिप्पोकैम्पस में, ठीक है। हिप्पोकैम्पस की मैंने आप लोगों को बात की थी गाइस, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ हिप्पोकैम्पस का मेन रोल किस में होता है। देखिए हिप्पोकैम्पस जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हिप्पोकैम्पस लाइक मेनी अदर स्ट्रक्चर इन द ब्रेन कम्स एज अ पेयर वन ईच हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका लिम्बिक सिस्टम का, वो कुछ इस तरीके से होता है, थ्री डी स्ट्रक्चर, मतलब इधर भी हेमिस्फेयर में होंगे, इधर भी होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि राइट में है या लेफ्ट में, ये बीच में रहेंगे, तो दोनों में इनका रोल है, दोनों हेमिस्फेयर में ही आता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो याद रखिएगा, इट रिसेम्बल द शेप ऑफ कर्वी सी हॉर्स, किसके जैसा था मैंने बोला ना, सी हॉर्स कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक कर्वी है ना, अगर अभी आपने, मैंने डायग्राम आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए कहाँ गया भाई, ये देख, ये रहा, ये देखिए है ना, ये थोड़ा सा ये दिख रहा है आपको इस तरह से कर्वी सी सोर्स जैसा है, ठीक है, दिख रहा है। तो इस चीज के लिए हमने इसको बोला है सी हॉर्स की तरह दिखता है, इसलिए इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। मैंने आपको बताया था यही रीजन है इसको हिप्पोकैम्पस के, एंड इज नेम आफ्टर इज साइंटिफिक जीन्स एंड इज एसेंशियली द मेमोरी सेंटर, किसके लिए ज्यादा जरूरी है, मेमोरी सेंटर्स के लिए ऑफ आर ब्रेन्स, हियर आर एपिसोडिक मेमोरी आर फॉर्म्ड एंड कैटलॉग्ड टू बी फाइल्ड अवे इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज अक्रॉस अदर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या है, यानी कि आपकी जो एपिसोडिक मेमोरी है, और एपिसोडिक मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो कहाँ पे कौन रोल प्ले करता है, उसमें हिप्पोकैम्पस रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा द हिप्पोकैम्पस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्पेशल ओरिएंटेशन एंड आर एबिलिटी टू नेविगेट द वर्ल्ड, ठीक है। स्पेशल ओरिएंटेशन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि चीज़ों को देखने में, समझने में, डिस्टेंस कितनी दूरी पे क्या चीज़ है उनके लिए भी, और हमारा जो वर्ल्ड के साथ में एक्सपोजर होता है, जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उन सब में भी ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा द हिप्पोकैम्पस वन साइट इन द ब्रेन वेयर न्यू न्यूरॉन्स आर मेड फ्रॉम अडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। मतलब हिप्पोकैम्पस वो एरिया है जहाँ पे नए न्यूरॉन्स बनते हैं स्टेम सेल्स से, अडल्ट स्टेम सेल से। इसका मतलब क्या होता है कि अब आप लोगों को एक बात याद होती है कि जब भी नई मेमोरी आपके ब्रेन में जनरेट होती है, तो वहाँ पे नए न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अब चूंकि हिप्पोकैम्पस जो है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी अडल्ट स्टेम से क्या बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं, जो कि आपकी मेमोरी को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं या मेमोरी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, एंड इज द बेसिस ऑफ वन टाइप ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, और ये क्या है, एक ब्रेन प्लास्टिसिटी का एक टाइप है या उसका एसेंशियल पार्ट है। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, जो नई इन्फॉर्मेशन या न्यूरॉन्स को बनाने का काम करती है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, बेसिकली वो ब्रेन प्लास्टिसिटी से कनेक्ट होता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड गाइस, चलते हैं आगे की साइड में। होपफुली आप लोगों को हिप्पोकैम्पस समझ आ गया, इतना डिटेल याद नहीं रहे तो इतना याद रखेगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, इन सब में जो है वो कौन रोल प्ले करता है, हिप्पोकैम्पस करता है। अब बात कर लेते हैं अमिग्डाला की। जो आपका अमिग्डाला है ना गाइस, अमिग्डाला जो है, अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि अमिग्डाला कौन सा था, ये यहाँ पे आप देखिए, अमिग्डाला के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये देखिए कहाँ है अमिग्डाला गाइस आपका, ये रहा, ये यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल हिप्पोकैम्पस के जस्ट पास, ठीक है। और जब मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो आप लोगों का अमिग्डाला है, बेसिकली वो फियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेन करने का काम करता है, उससे रिलेटेड, फियर से रिलेटेड मेमोरी में सबसे बड़ा रोल जो है वो आपका अमिग्डाला प्ले करता है, ठीक है। कैसे, देखें, द अमिग्डालाज नेम रेफर टू इट्स आर्मर लाइक शेप, ठीक है,
इसका जो आमंड लाइक शेप होता है उसकी वजह से इसको अमिगडाला कहते हैं। इट लोकेटेड नेक्स्ट टू हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस के जस्ट पास में रखा होता है, यह वहाँ पे होता है, बना हुआ है। द लेफ्ट एंड राइट अमिगडाला प्ले अ सेंट्रल रोल इन आर इमोशनल रिस्पॉन्सेस इंक्लूडिंग फीलिंग्स लाइक प्लेजर, फियर, एंजाइटी एंड एंगर। ठीक है, इन सब चीज़ों में अमिगडाला रोल प्ले करता है, लेकिन डोमिनेंट इमोशन कौन सा होता है? फियर। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इट ऑल्सो प्ले अ की रोल इन फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज स्पेशली रिलेटेड टू फियर। ठीक है, मैंने बता दिया ना कि ये नई इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, बनाने का भी काम करता है, नई मेमोरी का बनाने का भी काम करता है, जो कि आपके डर से या भय से या फियर से रिलेटेड होगी। ठीक है, चलिए। ड्यू टू इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द हिप्पोकैम्पस द अमिगडाला इज इन्वॉल्व द मॉड्यूलेशन ऑफ मेमरी कंसोलिडेशन पर्टिकुलर इमोशनली लेडन मेमरीज इमोशनल अराउजल फॉलोइंग अ लर्निंग इवेंट इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सिक्वेंट मेमरी ऑफ दैट इवेंट। क्या मतलब है कि चूंकि अमिगडाला जो है वो हिप्पोकैम्पस के जस्ट पास होता है, जब दो चीज़ें पास है तो डेफिनेटली एक की वर्किंग जो है वो दूसरे की वर्किंग को क्या करती, इफेक्ट करती है। अब आपका हिप्पोकैम्पस क्या करता है, मेमोरी बनाने का काम करता है, और अमिगडाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए। तो बहुत बार हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला दोनों मिल करके इनके काम क्या होता है, यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, अब यूनाइट हो जाते हैं तो हिप्पोकैम्पस मेमोरी बनाने का काम करता है, अमिगडाला इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अमिगडाला एक काम ये भी करता है कि इमोशनल से रिलेटेड मेमोरी को जनरेट करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस के जस्ट पास है। तो इमोशनल से रिलेटेड आपकी जितनी भी मेमोरीज है, कभी आपके साथ में बहुत गलत हुआ, या किसी ने आपके साथ में बहुत अच्छा किया, या आपने बहुत अच्छा महसूस किया, बुरा महसूस किया, आपने बहुत डरा हुआ महसूस किया, और उससे रिलेटेड जब आपकी आपके ब्रेन में मेमोरीज है, तो डेफिनेटली वो किसने बनाई है, अमिगडाला ने बनाई है, हिप्पोकैम्पस ने नहीं बनाई। ठीक है, क्लियर, ओके, ये बात याद रखिएगा। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी अमिगडाला की। अब बात कर लेते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस की। गाइस, अगर हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो थैलेमस का काम मैंने आपको बताया था रिले सेंटर की तरह काम करता है, यानी कि जो आपके सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है अलग अलग सेंसेस है उनको एक जगह कलेक्ट करके, और जहाँ पे ब्रेन के जिस पार्ट में उसकी फंक्शनिंग होगी, उसके आगे की प्रोसेसिंग होगी, वहाँ तक भेजने का काम आपका कौन करता है, अमिगडाला करता है। कैसे, देखें, ये देखें, बहुत एसोसिएटेड विद चेंजेस इन इमोशनल रिएक्टिविटी। ठीक है, दोनों ही इमोशनल एक्टिविटी में या रिएक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द थैलेमस सेंसरी वे स्टेशन, मैंने बताया ना ये एक तरह से वे स्टेशन है फॉर द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब इज प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट ड्यू टू इट्स कनेक्शंस विद अदर लिम्बिक सिस्टम स्ट्रक्चर, यानी कि लिम्बिक सिस्टम के जो अलग अलग लिम्बिक सिस्टम के अलग स्ट्रक्चर के साथ ये कनेक्टेड है, तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। मैंने आपको बताया ब्रेन के सारे पार्ट से ये कनेक्टेड है, और जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है उनको पर्टिकुलर ब्रेन के जिस हिस्से में वो प्रोसेस करती है वहाँ तक भेजने का काम आपका थैलेमस करता है। इसके बाद अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो आप देखिएगा, हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस ऑन बोथ साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। यानी कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि कहाँ पे ये सिचुएटेड होता है, ये देखिए आपका, ये आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये अगर यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखेंगे आप तो ये वाला पार्ट आपका हाइपोथैलेमस है, जो कि थैलेमस के जस्ट नीचे है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपका थैलेमस है, इस थैलेमस के जस्ट नीचे आपका हाइपोथैलेमस है, अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर ये है तो हम आगे की साइड में अगर थोड़ा सा देखेंगे गाइस, ये किस किस चीज़ में रोल प्ले करता है वो देख लीजिए। देखिए, है ना, लीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस इंटरफेयर विथ सेवरल अनकॉन्शियस फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड सम सो कॉल्ड मोटिवेटेड बिहेवियर्स लाइक सेक्सुअलिटी, कॉम्पिटिवनेस, हंगर। द लेटरल पार्ट्स ऑफ द हाइपोथैलेमस टू बी इन्वॉल्व विथ प्लेजर, रे एंड रेज,
while the medial part is linked with aversion, displeasure and the tendency for the uncontrollable and louder laughter. अब ये सब चीजें क्या है कुछ समझ नहीं आई होगी, चलिए समझते हैं क्या करके. देखिए हाइपोथैलेमस जो है वो आपका सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है किसमें, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में, आपकी हंगर वाली एक्टिविटी में, आपकी स्लीप रिलेटेड एक्टिविटी में, ठीक है, आपकी पेन और टच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, या जो आप हॉट और कोल्ड महसूस करते हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और डेफिनेटली इमोशनल रिएक्ट जो आप लोग करते हो उसमें भी हाइपोथैलेमस जो है वो रोल प्ले करता है. ठीक है, अब आपका हाइपोथैलेमस है अगर उसको आप दो पार्ट में बांट दो, कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे देखा, ठीक है, तो अगर इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो एक पार्ट बनता है आपका कौन सा, ये देखिए ये रहा लैटरल पार्ट. अगर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का लैटरल पार्ट, लैटरल पार्ट मतलब ये वाला पार्ट है ना, लैटरल पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड होता है, प्लेजर और रेग वाली एक्टिविटीज, जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो, खुश महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपका हाइपोथैलेमस का लेटरल पार्ट एक्टिवेट होता है. वेयर एज जब आपका जो मीडियल पार्ट होता है, किसका, हाइपोथैलेमस का जब मीडियल पार्ट एक्टिवेट होगा तो आप अवर्जन, डिस्प्लेजर इस तरह की टेंडेंसी फील कर, जब आप अवर्जन यानी कि किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या आप डिस्प्लेजर हो रहे हैं, कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं कर रही है, आप बहुत बुरा लगता है आपको वो काम करके, डिस्प्लेजर मिलता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपका मीडियल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस उत्तरदायी है. ठीक है, बहुत राम कहानी हो गई, थोड़ा सा इसको शॉर्ट डाउन कर देते हैं. हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के चार काम याद रखिएगा, सेक्स, ठीक है, हंगर, ठीक है, इसके अलावा सेक्स, हंगर, स्लीप, और इसके अलावा आपका हो गया आपका एक और मैंने बताया था आपको टच, टेम्परेचर या कोल्ड वॉर्म वाली चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके अलावा और भी चीज़ों में, इमोशनल रिएक्शन में और इनमें भी रोल प्ले करता है. ठीक है, इसके दो पार्ट अगर बात करें, लेटरल हाइपोथैलेमस और मीडियल हाइपोथैलेमस. लेटरल हाइपोथैलेमस जो है वो आपका प्लेजर से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वेयर एज जो डिसप्लेजर से रिलेटेड एक्टिविटी है उसके लिए आपका कौन सा वाला हाइपोथैलेमस का पार्ट है, मीडियल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, बीच वाला भाग. ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी. तो या दैट्स इट फॉर हाइपोथैलेमस, लेट्स गो फॉर अहेड, सिंगुलर जायरस और देखेंगे गाइस, और इसके बाद में बेसल गैंग्लिया देखेंगे, देन या इट विल बी डन. ठीक है, सिंगुलर जायरस देखते हैं गाइस. देखिए गाइस, सिंगुलर जायरस का मतलब होता है आप लोगों का वो स्ट्रक्चर जो सबसे बड़ा है. अब सिंगुलर जायरस में आप लोगों को याद रखना है, द सिंगुलर जायरस लाइज ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जो आपका सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वहाँ पे ये सिचुएटेड होता है. इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम विच हैज फंक्शन इन इमोशन एंड बिहेवियर. ठीक है, द सिंगुलर जायरस इज एन आर्क शेप्ड कन्वोलस कन्वोल्यूशन सिटुएटेड जस्ट अबोव द कॉर्पस कोलोसम. ठीक है, यानी कि जो आपका सिंगुलर जायरस है ये यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या है, सिंगुलर जायरस है, दिख रहा है ये, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे गाइस, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये सिंगुलर जायरस है, और सिंगुलर जायरस जो है ये यहाँ पे कॉर्पस कोलोसम है, दिख रहा है येलो कलर में आपका क्या है, कॉर्पस कोलोसम है, और इसके जस्ट ऊपर से आपका क्या है, सिंगुलर जायरस है. तो कॉर्पस कोलोसम के जस्ट ऊपर सिंगुलर जायरस होता है जो कि इमोशन और बिहेवियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये लार्जेस्ट पार्ट है आपका लिम्बिक सिस्टम का. ये तीन बातें आपको इसमें याद रखना है, ये मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी अगर आप लोगों को याद है देन मोर देन सफिशियंट है. ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई. द फ्रंटल पोर्शन इज टर्म द एंटीरियर सिंगुलर जायरस, अ कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इमोशंस, ठीक है, एंड बिहेवियर रेगुलेशन. इट ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट ऑटोनोमिक मोटर फंक्शन. कभी कभी ऑटोनोमिक मोटर फंक्शन जो है उनके लिए भी आपका सिंगुलर जायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बस इतना आप लोग याद रखेगा. ठीक है, तो ये मोर देन सफिशियंट है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, चलिए बेसल गैंग्लिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ठीक है, बेसल गैंग्लिया में आपको याद रखना है, द बेसल गैंग्लिया जो है वो सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई है विद इन द ब्रेन, रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी फॉर मोटर कंट्रोल. जो आपका बेसल गैंग्लिया है वो मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज रोल सच एज मोटर लर्निंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इमोशनल बिहेवियर एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिवॉर्ड एंड रिइंफोर्समेंट, एडिक्टिव
बिहेवियर्स एंड हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, कुल मिलाकर के आप लोगों को याद रखना है कि जो आपका बेसल गैंग्लिया, अच्छा ये होता कहाँ है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसल गैंग्लिया है यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये ना ये देखो गाइस, ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका बेसल गैंग्लिया है, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा मैं कलर चेंज करती हूँ इसका, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका बेसल गैंग्लिया है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट आपका बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया आपकी जो हैबिट होती है, आप डेली डे टू डे, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चलती है। या आप सुबह ब्रश कर रहे हो तो ब्रश के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी हैबिट में है। तो ये हैबिट फॉर्मेशन का काम जो है वो बेसल गैंग्लिया करता है, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन का काम, या अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के अडिक्ट हो गए और उसको बार बार खाने की आपकी आदत है, हैबिट है, तो हैबिट किसी चीज़ की है, चाहे वो अडिक्शन की है, चाहे वो प्लेजरेबल चीज़ों की है, या आपकी कोई भी हैबिट है, अच्छी आदत है, बुरी आदत है, वो सारे के सारे हैबिट फॉर्मेशन का काम जो कि मूवमेंट्स रिलेटेड होता है, वो काम आपका बेसल गैंग्लिया करता है, ठीक है। अगर आप कोई नई आदत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाने की आदत शुरू कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के पीछे बेसल गैंग्लिया को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी वो आदत बनती है, ठीक है। तो या दिस इज़ फॉर बेसल गैंग्लिया, होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी कि बेसल गैंग्लिया क्या करता है। इसके नोट्स आप ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से तो आपको चीज़ें और समझ आएगी। इसके और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना, किसके, बेसल गैंग्लिया के, तो वो देते हैं ना, कॉर्पस स्ट्रैटियम हो गया, डोर्सल स्ट्रैटियम हो गया, वेंट्रल स्ट्रैटियम हो गया, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको एक एक बार देखनी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये लर्निंग में, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में, इसके अलावा आप लोगों के इमोशनल बिहेवियर में, रिवॉर्ड में, रिइंफोर्समेंट में, जो आप चीज़ें रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट के लिए कर रहे हैं, लाइक आप रनिंग कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को वो करना है, ले सपोज़ आपको कुछ इनाम मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, तो ये सारी की चीज़ों के पीछे जो सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है आपका, कहीं ना कहीं बेसल गैंग्लिया कर रहा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रही है। इसके कुछ पार्ट हैं, इन पार्ट्स के आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंट और सब्सटेंशिया नाइग्रा, थोड़ा सा मैं इसमें आपको सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो आपके बेसल गैंग्लिया का ही एक पार्ट है, जो कि आपके एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, उसके सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। किस में याद रखेगा, किसके लिए, यहाँ पर शायद ये दिया नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो जो आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये डोपामाइन को सिंथेसिस करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इतना जानना इसके बारे में बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम आपका ख़त्म होता है। इसके आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बी हार्ड वर्किंग, डेफिनेटली आपसे सब होगा, बस मेहनत कीजिए।